मैं हूँ बाबू। मेरा जंगली भाई है। मैं का जंगली भाई और मेरी जंगली बहन है और जंगली है हसल। मुझे बहुत सी नमाती कुछ। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ खोए हुए सामान को ढूंढने का तरीका, और आप लोग वीडियो में बने रहना। और अभी आदि भी अपनी स्क्रैप बुक दिखाएंगे आपको, उन्होंने बना ली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना। और बाद में वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगी अपना खोया हुआ सामान ढूंढने की लिंचा टेक्निक। बुक देख लेते हैं। काफ़ी दिनों से ये अपनी स्क्रैप बुक बनाने की कोशिश कर रहे थे और बहुत मेहनत के बाद इन्होंने फाइनली बना ली है स्क्रैप बुक। तो चलिए दिखा दीजिए आप अपनी। हेलो फ्रेंड्स, ये मेरी स्क्रैप बुक और बहुत अच्छी है। ये गाइस मेरी फैमिली फोटो है। देखिए गाइस, आप देखेंगे इसमें आपको उल्टा दिख रहा होगा, आपको ऐसे ही देखना पड़ेगा। गाइस ये माय पेरेंट्स हैं और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स हैं। वही की फोटो मांग ली इसमें चली गई अंदर। ये देखो ये गौरी है, अपने दादाजी की गोद में बैठी है। और दिखा दीजिए। मैं दिखा रही हूँ कि गुस्सा हो रहा है और आधी चीज मिस कर रहा है। हाँ गाइस, ये मेरा यहाँ पे फोटो भी है, माई सिस्टर। देवी पास से दिखाओ। ये आदि है और ये गौरी है, छोटे की फोटो है दोनों की। ऐसे दिखेंगे, ऐसे करके ऐसे दिखेंगे। ये अब साफ दिखी इस पर ही। किसमें लगी थी? अच्छा अच्छा, चलो आप इसमें लगाओ और दिखा दो। और ये गौरी मेरा देखिए, ये भी गौरी दीदी और ये मैं हूँ। तुम कहाँ हो? गौरी को खुद बता रहा है, ये है गौरी है ये भी। चलो और आगे क्या रहा है? मैं हूँ। और क्या गाई? और ये सब हमारी फैमिली के ही मेंबर हैं, तो ये सब अब यहाँ नहीं रहते हैं, बट फैमिली में हम लोगों ने इनका पिक लगाया हुआ है। पहले हम लोग की ज्वाइंट फैमिली थी, तो सभी लोग साथ रहते थे, बट अब सब लोग दूर दूर हो गए हैं, तो हम लोगों ने बाकी मैंने टेपिंग से सजावट कर दी है, क्योंकि कोई भी इतने वो नहीं लगाना चाहेगा। गाइस इसी तरह से हमारी स्क्रैप बुक पूरी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, कमेंट शेयर। अरे अभी मेरा काम बाकी है, तो अब आगे के वीडियो में आप देखना जो मैं तरकीब बताऊंगी आपको खोया हुआ सामान। गाइस वो तरकीब इनकी बहुत अच्छी है, घर बांध के कुछ भी सामान मिल जाता, चाहे मेरा कोई खिलौना भी हो, फोन भी हो, सब मिल जाता। ओके, तो फिर आगे हम लोग मिलते हैं अपने वीडियो में। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको खोया हुआ सामान ढूंढने की जो टेक्निक बताने वाली थी वो ये थी कि एक्चुअली मुझे भी किसी ने बताया था, तो वही टोटका मैं कर लेती हूँ और मुझे मेरा सामान मिल जाता है। तो मैं आपको बताने वाली थी कि जैसे आपका सामान कहीं कोई खो गया है या मिसप्लेस हो गया या आप उसे रख के भूल गए हैं और आपके माइंड में वो सामान नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ रख के भूल गई हूँ, तो अगर लेडी हैं और वो ऐसे चुन्नी ओढ़ती हैं मेरी तरह और या साड़ी पहनती हैं, तो वो अपने साड़ी के कोने में ऐसे एक गांठ मार लें, जैसे मैं मार रही हूँ, देखिए ऐसे ऐसे करके एक गांठ मार लें और इसके बाद उस सामान को ढूंढें, तो ऑटोमेटिक आपका सामान मिल जाएगा। मुझे तो मिल गया, अब ये आपकी किस्मत रह गई कि आपको मिलता है कि नहीं, बट एक बार आप लोग मेरे कहने से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और इसमें कोई पैसे भी नहीं लग रहे हैं और ना कोई मैंने बहुत लेंथी पूजा बताई है आपको, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इसको एक बार ट्राई करें, क्योंकि मैंने ट्राई किया है और मुझे तो मेरा सामान मिल जाता है। पता नहीं वो क्या होता है, क्या जादू होता है कि क्या होता है, लेकिन मुझे सामान मिल जाता है। और जब आपका सामान मिल जाए तो आप उसको ऐसे करके फिर से खोल दें अपनी गांठ। और अगर बॉयज़ को सामान ढूंढना है कोई, तो वो अपना हैंकी ले सकते हैं, जेब में से हैंकी निकालें और हैंकी लेके उसमें ऐसे ही एक गांठ ऐसे मार दें कॉर्नर पे ऐसे करके, बट उसे कहीं और ना रखें, अपनी पैंट में ऐसे लगा लें या अपनी जेब में रख लें जब तक कि वो सामान मिल ना जाए, और तो फिर आपका वो सामान मिल जाएगा। और इसके अलावा जैसे कि वो सामान अगर आपके घर में है, मिसप्लेस हुआ है, तो आपको मिल जाएगा, और अगर घर में नहीं है
और कहीं बाहर खोया है तो शायद ना भी मिले, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, जाने दीजिए, लेट इट गो। बट जो अगर घर में जो छोटे मोटे सामान खो जाते हैं तो उसके लिए आप इसका मेरे टोटके का यूज़ कर सकते हैं, करके देखिएगा एक बार, शायद आपको भला हो जाए, क्योंकि अक्सर हम लोग अपने घर में सामान रख के भूल जाते हैं और मैं भी भूल जाती हूँ, तो मैं यही करती हूँ, तो जैसे ही गांठ लगाती हूँ तो ऑटोमेटिक मैं वहीं पहुँच जाती हूँ जहाँ सामान खोया होता है। तो ओके फ्रेंड, एक बार मेरे कहने से ट्राई करिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, और जिन लोगों ने ज्वाइन कर लिया है उनको बहुत बहुत थैंक्स सपोर्ट करने के लिए। ओके, थैंक यू सो मच।